हेलो एवरीवन, आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। 2 किलो कच्चे आम लिए हैं, अच्छे से धोकर काट लिए हैं। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, खड़ा धनिया, सौंफ, मेथी, हींग, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, सब इसी मसाले को हम भूनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सभी मसाले 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनने से मसाले का अच्छा स्वाद आता है अचार में। 2 मिनट खड़ा धनिया भून लेंगे, मेथी डालेंगे, थोड़ा भून लेंगे, सौंफ डालेंगे, ये भी 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। सभी तीनों मसाले मैंने 5 चम्मच लिए इस चम्मच से। तेल अभी गुनगुना हो गया है, अभी भुने मसाले में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे इस मसाले में। आप इस तरह से अचार बनाओगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचार का। गुनगुने तेल में मसाले डल जाते हैं। सकते हो अचार, कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर के लिए अचार का कलर अच्छा। इसके ऊपर भी गरम तेल डालेंगे, आखिरी में लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। देखिए कितना अच्छा सुगंध आ रहा है मसालों का गरम तेल डालने से। आप इस तरह बनाओगे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छी तरह सभी मसाले मिला देंगे। वाह, क्या सुगंध आ रहा है इस मसालों का। पानी आ गया इस अचार को देखकर। पूरे अचार में 1 लीटर तेल लगभग लग चुका है। अभी हम मिक्स करके जार में भरेंगे। अचार का मजा लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए।